दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है हनुमान जी, कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है हनुमान जी। आज शेड्यूल बनाया पढ़ने का नहीं पढ़ पाए, कल बनाया नहीं पढ़ पाए, परसों बनाया नहीं पढ़ पाए, एक ही गलती को बार बार करना। ये अंधा आदमी ही कर सकता, आंख वाला नहीं करेगा। आदत किसी भी चीज की पड़ सकती है, तो अगर नेगेटिव चीजों की पड़ सकती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती। पॉजिटिव चीजों की आदत डलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साधना। शराब पीने की साधना नहीं करनी, क्यों? क्योंकि इनका सीधा संबंध इंद्रियों और मन से। पढ़ाई की साधना, पूजा की साधना, ध्यान की साधना, योग की साधना, सबकी साधना। दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान, जिनके पास एक दृष्ट है, बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं हर चीज कंफर्म हो, वो है नहीं। तो जितने लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो सबसे बात करते हैं, हजारों लोगों से पूछते हैं। दुर्योधन की तरह एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है, नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। साइकोलॉजी कहती है मन को पढ़ो, गीता कहती है मन को जीतो, भगवान बनो। तो साइकोलॉजी पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है। और मन को कैसे समझ पाओगे जब वो हर सेकंड बदलता है।